रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमाज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इमाज रिया स्टार फूड सीक्रेट्स। जनाब गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे। आज हमें इनविटेशन आया है हमारे मामू लोग घर से, वहाँ पे हमें एक बर्थडे पार्टी पे बुलाया गया। मामूलों ने बर्थडे पार्टी पे बुलाया है और हमने वहाँ पे जाना है। अभी हमारी कोई कंडीशन नहीं है वहाँ पे जाने वाली। बाल देख लें, फेस देख लें, कपड़े देख लें, अभी रेडी नहीं हुए। अभी 10 o'clock हो गए हैं और खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया मैंने और घर के काम हो रहे हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको मम्मा क्या कर रही हैं, भाई क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। जी भाई ये बैठा हुआ है और ये क्लीन इस तरह हुआ हुआ है ठीक। यहाँ पे मम्मा कपड़े धो रही हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे और कैसे जाएंगे, सब बताऊंगा। और बर्थडे पार्टी कैसी गुजरी, क्या 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 खाने थे, क्या क्या था, सब बताएंगे। और आपको अपने नानों का घर भी दिखाऊंगा और उनका गांव भी। जल्दी से अब हम लोग रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे हमने अपने सारे कपड़े आयरन कर लिए हैं, जा रहे नानों लोग घर और हमें लग गई है भूख दोबारा। और हम आ चुके हैं किचन में। किचन में झटपट से हमने बनाई हैं चीज़ें, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, किस्म का यहाँ पे ब्रंच हो रहा है। यहाँ पे रोटी बन रही है, यहाँ पे फ्राइज हैं, साथ टमाटर फ्राई किया, मिर्ची, अंडा, इसको खाएंगे जल्दी से अब। चले जी, मुझे मिल गया मेरा ब्रंच, इसको करेंगे फिर तैयारी करेंगे, फिर चलेंगे नानो लोग के घर। और ये देखे जी, नानो, नाना, अबू, मामी, मामू हमारा इंतज़ार कीजिए, हम आ रहे हैं जी। यहाँ पे मैंने पढ़ लिया नमाज भी और नहाइयाँ भी कर ली हैं, अब हम जा रहे हैं गिफ्ट लेने। चले जी, मम्मा यहाँ पे गिफ्ट ले आई हैं, बहुत प्यारा, माशाल्लाह बहुत प्यारा गिफ्ट है, खोल के दिखाएंगे आपको। जिसका गिफ्ट है वही खोल के दिखाएगा। यहाँ पे लिखेंगे विशेज़ प्यारी सी जिसको गिफ्ट देना है। और अब होते हैं रेडी और फिर चलते हैं नानो लोग घर। चले जी, यहाँ पे मैं रेडी हो चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग मेरी लोग ड्रेसिंग, फुल ड्रेसिंग देखें जी। मैंने पहनी है वेस्ट कोट, बड़ी प्यारी है ये और बड़ी प्यारी सी है ये ड्रेसिंग। आप लोगों को कैसी ड्रेसिंग लगी और इमाज आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना है। पीछे किसी मोटरसाइकिल का स्लेंसर फट गया और उसकी आवाज़ इतनी बुरी आ रही है। मम्मा भी तैयार हैं, भाई भी तैयार है, उनको भी दिखाता हूँ। ये भी गिफ्ट है और ये भी गिफ्ट है, दो गिफ्ट हैं, बट ये हमारा नहीं है, ये मेरी खाला का है, उन लोगों ने मंगवाया था। और ये बैग हम लोगों ने लेके जाना है, चलो उठाओ। और हम यहाँ पे मम्मा भी देख सकती हैं, मम्मा का पूरा पर्स मम्मा ने भर दिया पैसों में। जी घर को लॉक कर देते हैं मम्मा और भाई और मैं उतरता हूँ। आज मेरे पापा घर पे नहीं है तो हमें जाना पड़ना है रिक्शे पर। मैंने ये दो गिफ्ट पकड़े, पापा घर पे नहीं है तो रिक्शे वाले के साथ चलेंगे। रिक्शे वाला भी दिखा देता हूँ अपना, स्टेयर्स उतर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, यहाँ पे शूज़ भी देख सकते हैं आप लोग मेरे। चले जी, फैसलाबाद के हल्के हल्के नज़ारे करें। यहाँ की मोस्ट मशहूर बेकरी नगीना स्वीट्स एंड बेकर, बहुत मज़े की इनकी चीज़ें होती हैं। और हमारे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी चीज़ बनने जा रही है, लैलपुल गैलरी मेरे घर के पास, इतनी भी नहीं पास, थोड़ी सी पास है, 10 मिनट का सफ़र है। यहाँ पे बन रही है, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है, जिस दिन इसकी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट होगी तो हम जाएंगे यहाँ पे। हम लेंगे एक फूलों का बुका, प्यारा सा, खूबसूरत सा, रेड रेड मेरी तरह, सॉरी सॉरी मेरी जैकेट की तरह रेड रेड। फूल तो बहुत ज़्यादा होते हैं पर जो गुलाब की फ्रेगनेंस होती है और इसकी खुशबू होती है वो आउटस्टैंडिंग होती है। और यहाँ पे इमाज ने भी अपने स्टूडियो बना लिया है। गुजरें और आपको एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ दिखाता चलूँ। बाबा जी सूफी बरकत साहब का यहाँ पे दरबार है, यहाँ पे उनका मज़ार है, इनको जाते जाते सलाम करेंगे। इस सदी के बहुत बड़े वली अल्लाह थे और इनके फैज़ बहुत हैं, इनकी वजह से नॉन मुस्लिम ने सलाम कबूल जी। यहाँ नानो लोग घर आ चुके हैं और अब बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। थोड़ी सी देर बाद हम लेट हो गए थोड़ा सा, पापा घर पे नहीं थे, पापा का वेट किया, पापा ने रात 10 बजे आना था, पापा कहते आप लोग चले जाओ रिक्शे पे, फिर रिक्शे वाले को बुलाया तो अब हम आ गए हैं। अब आपको नेक्स्ट सीन बताएंगे यहाँ पे क्या क्या होगा, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पियेंगे।
ठीक है बात सुन ले, चले बताएं बच्चे क्यूट बेबी कौन है? मैं। वाओ, यहाँ पे बच्चे बलून फैला रहे हैं, डेकोरेशन इन लोगों ने करनी है। चलो जी नानो से मिल लेते, फिर नाना से मिलवाऊंगा मैं आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम नानो जी, ये आपके लिए। अब नानो से मिले, नाना आपका क्या हाल है? ठीक हो बेटा, जो जो भी देखता है तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे को, जो जो देता उसका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी तंदुरुस्ती दे, कामयाबियां दे, कामरानियां दे, मेरे बच्चे भोले को भी कामयाबियां दे, कामरानियां दे। ये मेरी प्यारी सी नानो है, और इनकी वजह से जो मेरा मुकाम है, जितना मेरा चैनल स्टैंड हुआ है, मेरी नानो की वजह से हुआ है, इन वजह से और इनकी दुआओं की वजह से। मेरी नानो माशाल्लाह तो हज्जत गुजार है, माशाल्लाह बहुत नमाजी प्रेजी है। आप लोगों ने देख लिया, अब नाना उसे मिलवाता हूँ। आप लोगों ने मेरी नानो के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला इनका साया हमारे ऊपर हमेशा से सलामत रखे, और आप लोग की दुआ अब भी मेरी नानो के लिए आप लोगों ने दुआएं हमेशा करनी है। ठीक है, ये है मेरे एक दिन नाना अबू और एक दिन नानी अम्मा, ये नाना अबू आपके लिए, और ये अब आप अपनी मिसेज को पास कीजिए। नाना उमा है, बहुत फनी है, बहुत इंटरटेन करते हैं हम लोगों को, इनके घर आके मजा ही आ जाता है। जो भी मेरे बेटे के चैनल को साथ देता है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेहरबानी, थैंक यू। यहाँ पे दो हंसियों की जोड़ी आप लोगों ने देख ली है, नानो नाना अबू, बहुत फ़नी नाना अबू है हमारे, बहुत हंसाते हैं। आप इनसे एक बार मिलेंगे तो आप इनके दीवाने हो जाएंगे, ये सबको दीवाने कर लेते हैं आपने। नानो नाना अबू से तो मिल लिया आप लोगों ने, अब इस कमरे को डेकोरेट करना है, डेकोरेट करेंगे आपके सामने। चले जी, ये हमारी हैं प्यारी प्यारी बहनें छोटी छोटी, ये मेरे मामू की बेटी, और आप बताएं अपना नेम सबसे पहले आप। माय नेम इज रूबा। एंड यू, आपका नेम? माय नेम इज माया। एंड आप? माय, ये सबसे बच्चा अच्छा है, और इनको देख लें, और यहाँ पे देखें मेरी खाला की बेटी का, ये खाला की बेटी, और इनकी बर्थडे मैडम साहबा की, इफ्रा आपी की बर्थडे, और ये सब बैठे हैं, और ये आ गया है बर्थडे वाला। यहाँ पे रूम डेकोरेट हो गया है, और खाने का इंतज़ाम भी हो गया है। खाने की इन लोगों ने बनाया है, मछली बनाई है, बीफ बनाया है, और साथ चावल बहुत मज़े के बनाया है, साथ दही भल्ले। खाना खा के फ्री हो चुके हैं, अभी बर्थडे की सेलिब्रेशन रहती है, बर्थडे की सेलिब्रेशन करेंगे। और इमाज अभी इस तरह ही कंडीशन है, फ्लू हो रहा है मुझे लग रहा है, अभी दुआ कीजिएगा मैं सही रहूं। सही है ना, कैसा लग रहा हूँ बताइएगा ज़रूर। चलो जी, देख सकते हैं खूबसूरत सा केक और गिफ्ट्स, हैम्पर्स आगे रख दिए हैं, और केक भी रख दिया, और बर्थडे गर्ल को भी बिठा लिया है, और यहाँ पे उनके मम्मी पापा को भी बुला लेंगे, उनको भी बिठा लेंगे साथ ही, और बर्थडे की सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। अब इसके ऊपर जो कैंडल लगाई हैं इनको चलाएंगे, ये एक मुझसे चल गई और एक चली ना, पता नहीं क्या बात थी, पता नहीं कोई ख़राबी वगैरह थी ये कैंडल में, वो चली नहीं। और आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे उम्मीद कर रहा हूँ व्लॉग को, तो आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, नानो नाना वो आप लोग कैसे लगे। लाइट्स इधर ऑफ कर दी हैं, और यहाँ पे कैंडलों को चलाने की फुल कोशिश है, पर कैंडल कहती है मैं चल जूँ तो बात करना। हैप्पी बर्थडे, गिफ्ट दिखाओ, ऐसे करो, क्लैपिंग, हलचल।
ये इफ्रा का मेरी तरफ से गेम क्लैपिंग करो यहाँ पे सब अपने अपने प्रेजेंस देना स्टार्ट हो गए थे और मैंने तो दे दिया है, अब बाकी जो रह गए वो भी देंगे। गिफ्टों में क्या क्या मिला ये तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इन गिफ्ट्स में क्या है और केक देख सकते हैं कितना मज़े का केक को देख के मुँह में पानी आ रहा है और बच्चे उंगलियों के साथ इसको टच करना स्टार्ट हो गए, चॉकलेट को खाना स्टार्ट हो गए थे। तो हमने सबसे पहले गिफ्ट्स दिए, तो फिर हमने केक की कटिंग की, आराम से सुकून से बैठ के खाना खाया पहले, फिर आराम से केक को कटिंग किया। बार बार गिफ्ट रिपीट हो रहे थे, किस किस की बर्थडे पैसा होता है ज़रा बताइएगा मुझे। बिक्स के चक्कर में गिफ्ट को पकड़ पकड़ के, और यहाँ पे आई मामा की बारी, मामा ने दिए पैसे और हमने दिए गिफ्ट। यहाँ पे आई मेरी दूसरी मामी, मामी ने भी दिए पैसे और गिफ्ट। और यहाँ पे केक देख सकते हैं, केक के ऊपर हम लोगों ने पार्टी बम्पर्स करके हालात खराब कर दिए। नानू आगे बैठ गई हैं, नानू ने गिफ्ट दिया, नाना उन्होंने बहुत सी दुआएं और गिफ्ट दिया, उनका होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। और यहाँ पे कटिंग करेंगे, नाना को गुस्सा आ गया, नाना वो कहते हैं मुझे क्यों नहीं सबसे पहले बुलाया गया और मेरे साथ पिक्स क्यों नहीं बनाई। यहाँ पे बर्थडे कंप्लीट हुई और नानो अपनी शूज ढूंढ रही हैं बेचारे। पहले हालात देख लिए आप लोगों ने, खाने के बाद भी देख लिए पाकिस्तानी आवाम के जो के हालात देख लिए। लड़ाई हो रही है बलून के ऊपर, बलून हमने लेने, इन लोगों ने लेने बलून फाड़े, बलून फाड़े, फटी नहीं रहा, फाड़ो फाड़ो फाड़ो, फाइटिंग हो गई, फाइटिंग हो। हैवी थे और गर्मी भी लग रही थी, तो अब गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करेंगे। गिफ्ट्स मेरे तो नहीं है, जिसके हैं उसको कहेंगे अनबॉक्सिंग करें और आपको भी दिखाएं। करते हैं गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग। मेरे नानो नानाओं से तो आप लोगों ने मिल लिया है, आप लोगों को कैसे लगे मेरे नाना नाना वो? मेरे नाना वो बहुत फनी है और मेरी नानो भी बहुत अच्छी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और उम्मीद करता हूँ आप भी इंजॉय कर रहे होंगे व्लॉग, इस तरह ही मेरी व्लॉग को इंजॉय कीजिएगा। और अब नेक्स्ट बताऊँगा हम क्या करेंगे, गिफ्ट्स को अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे मास्टर को बुला लिया बर्तन धोने के लिए, यानी के खाला मास्टर को बुला लिया बर्तन धोने के लिए। अब इधर इसी दौरान जनाब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ये देखिए जी जो हम लोगों ने गिफ्ट दिया था, बहुत प्यारा है माशाल्लाह, कुरान पाक की रेल है। जो भी इस पे कुरान पाक रखे पड़ेगा हमें सवाब मिलेगा। और एक गिफ्ट ये मिला है, वाओ ये भी सही है, खुलना पता नहीं कैसे, एक कैसे खुलना है और ये निकल भी जाते हैं, इसके अंदर जो मर्जी रख लो, नहीं बल्कि चूड़ियाँ रख हो सकती हैं ना ओनली, वाओ नाइस। और एक कार्ड मिला है, इसमें लिखी है विशेज बच्चों की हैंड राइटिंग, आई लव यू माई सिस्टर इफ्रा। और एक चेस स्टॉलर मिला, दैट्स गुड अमेजिंग, गिफ्ट इतने हो गए हैं। चले जी यहाँ पे सुबह हो गई है और हमने नाश्ता भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, अब हम जाएंगे अपने दूसरे मामू के घर दावत पर। मासूम बच्चा ये देखे हमारा, बहुत ही मासूम है, मासूम है, अंदर से पूरा शैतान है इसके अंदर भरा हुआ। दूसरे मामू घर आ गए हैं और अब यहाँ पे हम थोड़ी देर ही रुकेंगे। यहाँ पे मामू ने बड़ा मज़े का खाना बनाया, चिकन का सालन था और साथ मेरी फेवरेट सेवैयाँ थी जिसको मैं बहुत लाइक करता हूँ, मेरी डिमांड पे बनी शतूर का पौधा। यहाँ पे रात हो चुकी है और हम पापा का वेट कर रहे हैं, घर जाना है, पापा का वेट चल रहा है, पापा जल्दी से आएंगे फिर घर चलेंगे, फिर बताएंगे आपको घर जा के। पापा आए गड्डी लेके, रस्ते में मोड़ आया, पापा उधर दिल छोड़ आया, मेरा प्यारा गाना। को लाफिस गांव वालों, लाफिस टाटा माटा, मैं जा रहा हूँ घर। अरे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तू भाई साइड पे आ जाओ। नानों के घर से आके दिल इतना दास हो गया गाड़ी में, सच्ची बहुत मैंने मिस किया, इतना मज़ा आया। सिर्फ गए हम एक रात के लिए थे
तो क्योंकि घर से भी ज़ाहिर सी बात है निकल नहीं होता ये एक रात के लिए, पर मज़ा आ गया, अब इतना इंटरटेन हो के आए ना, फ्रेश हो के हम घर वापस आए। फाइनली हम घर वापस आ गए और मम्मा की कंडीशन पूछ लेते हैं। जी मम्मा भी आ गई हैं, बहुत इंजॉय किया। मम्मा आप यहाँ पे खाने खो रही हैं जो नानो लोग घर से लेके आई हैं, जो ना खा लेती कुछ ये देखें जाते हैं हम खाली हाथ हैं, आते हैं हम भरे भरे हाथ लेके खाने लेके साथ अपना इंतजाम करके पूरा आते हैं। कैसा लगा मम्मा अपने अम्मी को मिलके? लो किसको अपनी मम्मा को मिलके अच्छा नहीं लगता बेटे, माँ तो जन्नत होती है, दुनिया में जन्नत अल्लाह ने। वाह वाह वाह। अब हम लोग थक गए हैं, अब कपड़े उतारेंगे और रेस्ट करेंगे। और बहुत इंजॉय किया, खाने में भी बहुत मज़ा आया, सब कुछ खाया पिया। नानो लोग घर बहुत मज़ा आया, नाना भी हमारे बहुत इंटरटेन, नाना भी लोगों ने किया, बर्थडे आउटस्टैंडिंग थी, बहुत मज़ा आया, खाने भी बहुत मज़े के थे। थैंक यू सो मच मामू मामी नानो नाना भू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमें इनवाइट किया और हम लोग गए। आज का व्लॉग का अख्तिताम हम इसी बात पे करेंगे, अपनी छोटी छोटी खुशी के मौके कम ही मिलते हैं, उनको मिस ना किया करें, उनको इंजॉय किया करें, छोटी सी ज़िंदगी इंजॉय करते करते गुजार लें, हैप्पी रह के गुजार लें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट यूनिक व्लॉग के साथ और रेसिपी के साथ, रेमेडी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, स्टे ऑलवेज हैप्पी। मुझे लाजमी बताइएगा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को।